चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना सिनेरियो एक कहानी से। ये कहानी है सारा की, और एज यू कैन सी, एज यू कैन रीड, सारा केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑन हर मरून डाई हार्ट से कोरे। शी हैज अ कैपेसिटी फॉर 3 एक्स्ट्रा पीपल इन हर कार, बट द 3 पीपल हु शी कैन अकोमोडेट हैव टू आइदर लिव नियर आयशा मंजिल वेयर शी कम्यूट्स टू एंड फ्रॉम, और सिचुएट समवेयर विद इन द राउट शी टेक्स। मेक सेंस? आयशा मंजिल जो फेमिलियर नहीं है, तो कराची में बहुत बहुत फेमस इलाका है। शी इज थिंकिंग अबाउट मिनिमाइजिंग अ फ्यूल एक्सपेंस एज वेल एज द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स एंड डिसाइड्स टू पोस्ट एन एड ऑन यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड सो दैट अदर पीपल कैन कॉन्टेक्ट हर टू शेयर द राइड। मेक सेंस? वो चाह रही है कि अपनी राइड शेयर करें, फ्यूल की कॉस्ट भी बच जाएगी और एनवायरमेंटल इफेक्ट भी, बजाय ये कि 4 लोग आए अलग गाड़ियों में, अलग व्हीकल्स में, एक ही गाड़ी में सवारी कर सकते हैं। तो 3 लोग रابطہ करते हैं सारा से। नबील द टक शॉप कैशियर, डॉक्टर इमरान फ्रॉम फैकल्टी एंड अ स्टूडेंट फ्रॉम अनदर कॉलेज से शाइस्ता। अब ये तीनों फर्जी नाम हो सकता है, ये इन रियल भी एग्जिस्ट करते हो। सो सारा ग्लैडली वेलकम्स देम एंड द 3 स्टार्ट टू ट्रेवल टुगेदर। नबील लिव्स नियर बाय, नियर बाय मीनिंग यूनिवर्सिटी के पास, कैंपस के पास। सो ही इज द लास्ट वन हु गेट्स पिक्ड एंड द फर्स्ट वन टू ड्रॉप। मेक सेंस? सबसे आखिर में उसको पिक किया जाता है, सबसे पहले ड्रॉप करते हैं। शाइस्ता लिव्स क्वाइट क्लोज टू सारास प्लेस, हाउ एवर शी ओनली ज्वाइंस ऑन मंडेज एंड थर्सडेज, 2 ही दिन क्लासेस होंगी। डॉक्टर इमरान लिव्स नियर नेशनल स्टेडियम विच इज अप्रॉक्सीमेटली एट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू सारास प्लेस, यानी टोटल जो डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी से सारा के घर तक का, उसका आप कह सकते हैं 2/3 इस फासले पर डॉक्टर इमरान रहते हैं। आफ्टर अ वाइल थिंग्स गेट स्लाइटली अनईजी, कुछ दिनों बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। नबील इज ऑफन नॉट रेडी ऑन टाइम एंड केप्ट द 3 वेटिंग। ही ऑन द अदर साइड ऑल्सो हैज अ वैलिड कंप्लेंट दैट ही इज अनफेयरली पेइंग 25% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट फॉर क्वार्टर ऑफ द डिस्टेंस। उसका घर बहुत करीब है, 20% भी रास्ता नहीं है, बट स्टिल ही हैज टू पे अ फोर्थ, 25% ऑफ द टोटल फ्यूल कॉस्ट, जो कि फेयर नहीं है उसके लिए। बिकॉज ऑफ सच मैटर्स सारा साइंस कॉन्ट्रैक्ट विद दीज कंपेनियंस, इंक्लूडिंग टर्म्स लाइक स्केजुअल, शेयर इन द फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी एंड डेट वगैरह वगैरह। Well, half of the semester, halfway to the semester, Sarah terminates the contract with Nabil as it was not cost effective. जाहिर सी बात है, तकरीबन 80% रास्ता तो 3 लोग कवर कर रहे हैं, वो नबील वॉज ज्वाइनिंग ओनली फॉर 20%, तो इस वजह से शी थॉट कि ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो उन्होंने सारा ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया नबील के साथ। Another of her classmates, Sidra, requests to join, which Sarah accepts. कोई और क्लास में होगी सिद्रा, उसने रिक्वेस्ट की चले एक गाड़ी में जगह खाली हो गई तो मैं ज्वाइन करती हूँ, तो सारा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सिद्रा लिव्स एट शारा फैसल, देयरफॉर पेज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। शारा फैसल आप कह सकते हैं आयशा मंजिल और यूनिवर्सिटी के बीच में, तकरीबन 50% आप लगा ले के डिस्टेंस बनता है। डॉक्टर इमरान इज क्वाइट हैप्पी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही लाइक्स द कंपनी एंड द कार, उन्हें गाड़ी पसंद आ जाती है। ही एंड्स अप बाइंग द कार फ्रॉम सारा, एक सिनेरियो है, हम अज्यूम करें कि वो गाड़ी परचेज कर लेते हैं, तो गाड़ी की जो ओनरशिप है वो सारा से ट्रांसफर हो जाती है डॉक्टर इमरान को। ये तो सिर्फ एक सारा की गाड़ी की बात थी, बट देर आर स्टिल अ डजन कार्स एंड 100 मोटरसाइकिल्स लेफ्ट इन द कैंपस पार्किंग। So can we design a utility to systematically solve this problem for others? अब इस सिनेरियो में
हमें क्या बातें पता चलती हैं, ये हमारे पास पूरी यूजर स्टोरी आप कह सकते हैं लंबी सी। और अब इसमें हमें इस स्टोरी से ही हमें निकालने अपने यूज केस जितने भी बनते हैं। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं हमारे स्टेप्स क्या होंगे, हम डिजाइन किस तरह से करेंगे अपना सिस्टम। मैं कह देता हूँ डिजाइन स्टेप्स, इसको भी हेडिंग दे देते हैं, डिजाइन स्टेप्स क्या होंगे। हमारे पास क्या है, स्टोरी मौजूद है, तो हम कहते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई एंटिटीज एंड देयर बिहेवियर, ठीक है, दैट्स वन। स्टेप टू में हम कहेंगे आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज एंटिटीज, और फिर हम कहेंगे कि वी विल आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स, और इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। पहले नंबर पे हम देखेंगे सिस्टम के कॉन्स्ट्रेंट्स, कि इसमें कहाँ कहाँ हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं। देखिए, हम जब सिस्टम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम एनालाइज करके खुद भी ऐड कर रहे होंगे। तो अब हम आते हैं स्टेप वन की तरफ, जो कि है एंटिटीज। एंटिटीज हेडिंग टू, तो हैंग ऑन अ सेकंड, इसको बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे मेन पैरा है वो कौन है। सारा के पास गाड़ी है, तो वो व्हीकल की ओनर हुई, यानी कि हमारे पास जो सारा का रोल है सिस्टम में वो ओनर है। एक एंटिटी ये हमारे पास आ गई सामने। जो व्हीकल है सेल्फ, ये क्या है, ये भी एंटिटी है, ठीक है। ये जो नबील है, डॉक्टर इमरान, शाइस्ता, सिद्रा, ये सब लोग कौन है, कंपेनियंस है, राइट। तो ये तीसरी एंटिटी हमारे पास आ गई कंपेनियन। फिर हमने बीच में बात की कॉन्ट्रैक्ट की, सो देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, किनके दरमियान, ओनर एंड कंपेनियन। हर कंपेनियन के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली उसकी टर्म्स अलग हो सकती है। और हमें एक चीज और वैसे एक्सप्लोर करनी है, शुड द कॉन्ट्रैक्ट बी बिटवीन कंपेनियन एंड व्हीकल। हो सकता है हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिस्टम में ओनर की बात ना करें आगे चल के, और व्हीकल से एसोसिएट कर दें, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंटिटीज इसके अलावा कोई बाहर नहीं दिख रही, और इफ इट कम्स टू इट हम एक्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, विच इज बिहेवियर। जितनी हमारे पास एंटिटीज हैं, इनका बिहेवियर, कौन से फंक्शन, काम क्या कर रही हैं ये एंटिटीज, और ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं एस्पेक्ट होगा। ये पहले लेते हैं ओनर को। ओनर ने, सारा ने क्या किया था, सबसे पहले एक एड पब्लिश की थी, तो हमारे पास बिहेवियर क्या हो गया, पब्लिश करना, पब्लिशिंग एड्स, और फिर ओनर को एड पब्लिश करने से पहले रजिस्टर करवानी पड़ेगी व्हीकल,
जो भी हम सिस्टम बनाएंगे उसमें व्हीकल रजिस्टर होगी, कहीं इसकी एंट्री होगी। और फिर हमने देखा ये एड देखी नोटिस बोर्ड पे कंपेनियंस ने, तो कंपेनियंस किसी सिस्टम में इसको क्या करेंगे, व्यू करेंगे, सर्च करेंगे, राइट, फॉर अवेलेबल व्हीकल्स। फिर कंपेनियंस और क्या काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं ओनर के लिए कि ये राइड हम शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, अब एक रिक्वेस्ट अगर जनरेट हुई तो ओनर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ये भी ओनर के दो फंक्शंस हो सकते हैं। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तब अगर ये एक्सेप्ट कर लिया रिक्वेस्ट तो हम एक फॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, राइट। तो ओनर साइन कॉन्ट्रैक्ट, अभी जो हम ये जो कुछ भी लिख रहे हैं हम इस वक्त बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं, या अभी हम ये नहीं सोच रहे कि डाटा हमारा डेटाबेस किस तरह से दिख रहा होगा, क्लासेस कैसे बनेंगी। हम अभी सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जो ओनर है सारा, उसने नबील के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था, तो एक एक बिहेवियर ये भी होगा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का। इसी तरह अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ऑटोमेटिक एक्सपायरी भी हो सकती है, तो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ उसका कोई बिहेवियर होगा कि वो एक्सपायर हो जाए, राइट। अच्छा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो गया तो ओनर्स को रिन्यू भी कर सकता है, ये भी एक बिहेवियर हो सकता है। हम अभी ये नहीं कह रहे कि ये सारे बिहेवियर, ये सारे फीचर्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी हम सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं इस स्टोरी को पढ़ के। इसके अलावा हमने देखा डॉक्टर इमरान ने व्हीकल परचेस कर ली थी, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं ओनर ट्रांसफर्स व्हीकल ओनरशिप ये भी एक बिहेवियर्स के अलावा एक ओनर एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल पे जा सकता है, नहीं इसको हम यहीं पे कंसिडर करेंगे कि वो एक ही बात हो गई, व्हीकल रजिस्टर करवाई है। ओके, तो अभी यही चीजें जहन में आ रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, बिहेवियर्स की बात हो गई, एट्रीब्यूट्स की हमने डिजाइन स्टेप्स में। अच्छा, ये एंटिटीज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, इसके एट्रीब्यूट्स की तरफ आने से पहले हमें इनका इनके दरमियान रिलेशनशिप ये फाइंड आउट करना है। तो चलें देखते हैं रिलेशनशिप्स कैसे बनेंगे। इसके लिए मैं आई थिंक द इंटरफेस स्विच कर लूँ। चलें अब हम अपनी एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप ये क्रिएट करते हैं। थिंक अबाउट सिस्टम कैसा होगा। हमारे पास जो कौन है व्हीकल का ओनर, और
वो मेरे के पास एक व्हीकल है। एक्चुअली एक और काम है मेरे सिस्टम में, चाहे ओनर हो चाहे कंपेनियन हो, इतना तो तय है कि वो सिस्टम का यूजर होगा, राइट? क्या हम ये कह सकते हैं कि एक यूजर की एंटिटी और इस यूजर एंटिटी के चाइल्ड क्लासेस हैं? क्लासेस की वैसे हमें इस पॉइंट पे टर्म यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि चाहे ओनर हो चाहे कंपेनियन हो, इन दोनों की बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे। मतलब नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, इनकी लॉगिन सिस्टम में लॉगिन करते तो उसकी डिटेल्स होंगी, दोनों का एड्रेस होगा ऑब्वियसली, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो हम कहेंगे कि यहाँ एक हम कॉमन क्लास, कोई कॉमन एंटिटी बना लेंगे फिर, और ये दोनों उसका चाइल्ड होंगी, ठीक है? तो यहाँ तक तो हमने यूज़र, कंपेनियन और ओनर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं वे दो जो है, तीसरी वो है हमारे पास व्हीकल। व्हीकल, अच्छा व्हीकल को अगर हम सोचें तो व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? व्हीकल की टाइप होगी, मोटरसाइकिल है या सिडान है या एसयूवी है या ट्रक है, क्या है वो, वैन है तो, और टाइप के हिसाब से उसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी कोई, इसी तरह उसका मैन्युफैक्चरर होगा, कोई मॉडल नंबर होगा, व्हीकल का कोई कलर होगा, स्टेटस होगा अगर फुल हो गई है, फॉर एग्जांपल अपने कैपेसिटी एंटर कर दी 8, किसी व्हीकल में लोग आ सकते हैं और 8 उसमें पैसेंजर्स पूरे हो गए तो इसका मतलब है कि उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, तो उसका जो स्टेटस है वो हम कोई मेंटेन कर रहे होंगे कि भाई अवेलेबल है या नहीं। तो व्हीकल, अच्छा यहाँ हम एक और काम करेंगे, हम एक और क्लास बनाएंगे, इसको कहेंगे मॉडल। देखिए अगर हम व्हीकल की बात करें ना, तो एक व्हीकल है जैसे इसी की बात करते हैं, डायहाट्सू कोरे, डायहाट्सू मैन्युफैक्चरर है, कोरे उसका मॉडल है। लेकिन क्या एक सारा के पास ही डायहाट्सू कोरे होगी? जितनी भी कोरे हैं, 2, 4, 5, 10 जितनी भी हो सकती, उन सबको आप कहेंगे कि मॉडल तो उनका एक ही है, डायहाट्सू है, कोरे हैं और सारी हैचबैक कार्स हैं, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट होगा, उनका कलर डिफरेंट होगा, कुछ एट्रीब्यूट्स उनके डिफरेंट होंगे। तो यहाँ हम ये करेंगे कि एक क्लास अलग से बनाते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स उनके मॉडल्स कलेक्ट कर लेंगे और उस मॉडल से इसको क्या कंपोजिशन दूँ, चलें वो कंपोजिशन एग्रीगेशन में कंफ्यूजन हो सकती है, हम कह सकते हैं कि व्हीकल हैज मॉडल, और यहाँ पे हम कहेंगे इज ओनर इज अ यूजर, कंपेनियन इज अ यूजर, हैज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, ये वो कॉमन टर्म्स है जिसमें कन्फ्यूजन थोड़ी कम होती है। यूजुअली हम कन्फ्यूज कर जाते हैं कि भाई एग्रीगेशन क्या था, कंपोजिशन क्या था, उसका सिंबल क्या था। बहरहाल हम कह सकते हैं हर व्हीकल का कोई ना कोई मॉडल होगा और मॉडल में मैन्युफैक्चरर होगा, उसकी टाइप होगी, ये हम आगे देखेंगे एट्रीब्यूट्स कैसे बनते हैं इनके। और व्हीकल का हमने एक और भी चीज़ बताई कि इसका कुछ स्टेटस भी मेंटेन हो रहा होगा, ये भी एट्रीब्यूट्स में देखते हैं। अच्छा हमने ओनर
व्हीकल ओनर और कंपेनियंस के दरमियान हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हमारे पास एक एंटिटी आएगी कॉन्ट्रैक्ट। और हमने बीच में एक चीज नोट की थी कि ओनर तो चेंज हो सकता है किसी व्हीकल का, क्या कॉन्ट्रैक्ट ओनर और कंपेनियन के बीच में होना चाहिए या व्हीकल और कंपेनियन के बीच में होना चाहिए? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली व्हीकल और कंपेनियन के बीच में होगा, तो ये ज्यादा हमारा सिस्टम बेहतर होगा। तो हम करते ये हैं, यहाँ पे भी अच्छा ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम कन्वेंशंस को ही फॉलो कर लेते हैं। हम यहाँ पे एग्रीगेशन ये हम लोग रिवाइज कर लें, अगर कॉन्सेप्ट है तो हम लोग बना देते हैं एग्रीगेशन एसोसिएशन, दो टाइप्स हैं एग्रीगेशन और कंपोजिशन। तो हम ये कह रहे हैं कि व्हीकल और कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस हो ही नहीं सकता, सीधी बात यह कि अगर उसमें व्हीकल और कम से कम एक कंपेनियन ना हो, कम से कम क्या एक एक व्हीकल, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक व्हीकल होगा और एक कंपेनियन होगा। तो हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो, इसको भी हम एक यहाँ पे भी यही काम कर लेते हैं, अगर यहाँ पे हमें मल्टीप्लिसिटी देनी है तो वो भी हम बता सकते हैं, जैसे सिस्टम के कॉन्ट्रेंट्स पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल है, उसका या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा या ज्यादा नहीं, एक व्हीकल के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी जो होगी ना इसकी वो मैटर करती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सी, या चलो फिलहाल सर्च के देते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर व्हीकल एक ही होगी अलबत्ता, सिमिलरली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही कंपेनियन होगा, और कोई भी कंपेनियन या तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा एक्टिव, या ज्यादा एक ही एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये साथ साथ हम सिस्टम के कंस्ट्रेंट बताते जा रहे हैं। इसी तरह हम कहेंगे यूजर और कंपेनियन है, अगर ओनर और कंपेनियन, तो एक वक्त में एक ओनर का एक ही ऑब्जेक्ट होगा यूजर, या तो वन या तो सीधा सीधा वन टू वन रिलेशनशिप है ही, बल्कि बताने की जरूरत नहीं है दिस सिंपली। अगर हम बात करें मॉडल और व्हीकल की, तो कोई हमारा वो मॉडल हो सकता है, बिलफर्ज हम कह सकते हैं निसान जुक, लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई हमारे यूनिवर्सिटी में निशान जुक ना हो, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई यहाँ मॉडल में एक मॉडल की हो सकता है कोई भी व्हीकल ना, और हो सकता है बहुत सारी व्हीकल्स हो, अलबत्ता इधर एक व्हीकल का एक ही मॉडल होगा। तो बहरहाल ये हमने एक रफ सा, आप कह सकते हैं एक रफ सी रिलेशनशिप डायग्राम बना दी है, क्लास डायग्राम भी बोल सकते हैं आप इसको, वैसे है तो क्वाइट क्वाइट क्लोज टू रिलेटेड। तो सो फार हमने आइडेंटिफाई क्या किया, हमारे सिस्टम में इस डायग्राम प्रॉपरली विजिबल, हाँ ये हमारे पास डायग्राम है, एक छोटी सी हमने डायग्राम में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। असल मकसद ये है कि यहाँ पे क्लियर हो जाए हमारे सिस्टम में एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप्स क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। चलिए अब जरा देखते हैं एट्रीब्यूट्स, हमारे पास जो एंटिटीज हैं, हर एंटिटी के लिए एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। एंटिटी ए हमारे पास
कह लेते हैं हम इसको, एंटिटी बी है ओनर और कंपेनियन और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इनकी हम लिखेंगे लिस्ट एट्रीब्यूट्स की। सो लेट्स सी, व्हीकल की हमने बात की, जब व्हीकल टाइप या व्हीकल मॉडल इस डायग्राम को देखते हुए हमारे पास व्हीकल है, व्हीकल के एक मॉडल है, मॉडल की कुछ हम प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चरर, सेल्फ मॉडल नेम, और टाइप, टाइप में हम कहेंगे मोटरसाइकिल है, इसको हम इनुमेरेशन इनुमेरेटेड डेटा टाइप कर लेंगे, सेडान गाड़ी हो सकती है, हैचबैक कार हो सकती है, एसयूवी हो सकती है, वैन हो सकती है, एंड सो ऑन। अच्छा, गाड़ी का मॉडल आ गया, और कलर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये होगा, और कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी, और बल्कि ये सिटिंग कैपेसिटी यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि अगर मॉडल है तो उस मॉडल में जितनी भी चाहे व्हीकल्स हो उनकी सिटिंग कैपेसिटी सेम होगी। ओके, और क्या है, हाँ, ओनर, हर व्हीकल का ओनर है ना, इसके अलावा हम कहेंगे इसका कोई ना कोई स्टेटस होगा, विल्फर्स एम्प्टी या फुल या इनएक्टिव, कोई सा भी हम ये स्टेटस इसके लिए यूज करेंगे, और हम कहेंगे एक इसकी फ्रंट पिक्चर, एक साइड पिक्चर, कुछ पिक्चर्स भी हो सकती हैं, और आई थिंक फिलहाल हम यही तक रखते हैं। अच्छा, फिर मैं ये बताता चलूँ, हम अभी ये बात नहीं करें डेटा टाइप क्या होगी, प्राइमरी की होगी नहीं होगी, यूनिक होगी नहीं होगी, ऑटो जनरेटेड है क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंसानी जुबान में, ये जो एक क्लाइंट भी समझ सकता है उसको भी आप समझा सकें कि डेटा मॉडल भाई ये है हमारा। ओके, व्हीकल की बात हमने कर ली, अब ओनर के ऊपर आते हैं। ओनर, हर ओनर का एक हम कह सकते हैं फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ठीक है, जेंडर कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं, तो कुछ तो बिल्कुल कॉमन है ना। कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, एड्रेस डिटेल्स होंगी, या एड्रेस हम कह सकते हैं, एड्रेस तो है ही, लैंडमार्क, कोई घर के करीबी जगह, टाउन कह सकते हैं हम लोग, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हम कोई कहीं यूजर अपनी कोई बायो भी लिखेगा ओनर, उसके अलावा उसकी हम कहेंगे कि एफिलिएशन, एफिलिएटेड एज व्हाट, स्टूडेंट है, फैकल्टी मेंबर है, स्टाफ है, क्या है वो। ओके, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। ओनर के ऊपर कंपेनियन की बात करते हैं, कंपेनियन में भी मेनली ये चीज़ें सेम ही होंगी, एक्चुअली हम करते ये हैं, इसको करते हैं, इसको बनाते हैं यूज़र और ओनर कंपेनियन, ठीक है, तो यूज़र तो ये हो गया, यहाँ से ये हम इंटरेस्टिंगली हो सकता है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में हमें ये दो अलग से क्लासेस बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम ओनर को कंपेनियन को एक यूज़र टाइप से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन चले वो बात की बात है, अभी तो हम बात करेंगे कि
ये हैं अलग से एंटिटीज, तो इसको हम कहेंगे कि ये यूजर की भी एक यूजर के साथ जाहिर सी बात है वन टू वन रिलेशनशिप है, और ओनर को हम कहेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड सर्विसेज दे जॉइंड और कुछ सेंड में नहीं आ रही, कंपेनियन का भी सोचते हैं। इतनी ये दोनों बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपस में शेयर कर रहे होंगे। कंपेनियन का अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि करंटली इन कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, हम अपडेट कर सकते हैं जैसे जैसे उसकी व्हीकल की कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे। अच्छा, हम अपने सिस्टम में कॉन्स्टेंट और भी आगे रखेंगे कि एक वक्त में एक ओनर एक से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं रख सकता, क्योंकि ये इन कैंपस सर्विस है, ये कोई हमें बिजनेस नहीं बनाना। तो वन यूज़र वन व्हीकल, वन ओनर वन व्हीकल एंड दैट्स इट। अच्छा, अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट में मीनू के व्हीकल तो होगी, कंपेनियन भी होगा एक, इफेक्टिव स्टार्ट डेट, एक्सपायरी डेट ये हम कह सकते हैं, इज एक्टिव कोई फ्लैग हो सकता है हमारे पास, फ्यूल शेयर, कितने परसेंट फ्यूल शेयर करें, इसी इसी तरह मेंटेनेंस शेयर, के फ्यूल तो हम डिस्टेंस के हिसाब से हो सकता है शेयर करें, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट बराबर बराबर पड़ती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स के एक स्केड्यूल होगा। ये मैंने क्यों कहा, देखें अगर हम अपने सिनेरियो की तरफ जाएं तो अगर शी ओनली ज्वाइन ऑन मंडेज एंड थर्सडेज, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर हर कंपेनियन डेली नहीं आ रहा होगा, उसके कुछ डेज हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के स्केड्यूल में हम पिकअप टाइम भी लिख सकते हैं, तो इस स्केड्यूल को हम डे और पिकअप टाइम, अच्छा ये दिस इज गोइंग टू बी अ मैप एक्चुअली, मंडे का क्या है, ट्यूसडे है भी या नहीं है, थर्सडे है या नहीं है, सो आई विल जस्ट मेक इट समथिंग लाइक दिस, ताकि हमें डेज एंड देयर रिस्पेक्टिव पिकअप टाइम्स लाइक दिस। ओके, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स भी आ गए, हमने सिस्टम का बिहेवियर्स देख लिए, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स देख लिए। अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स की। कॉन्स्ट्रेंट्स हमें बताएंगे कि हमें कीज किस तरह से बनानी है, रिलेशनशिप्स की टाइप्स क्या रखेंगे वगैरह वगैरह। और ऑब्वियसली कॉन्स्ट्रेंट्स का एक काम ये भी होता है कि वो बिजनेस लॉजिक को रिफाइन करने के काम आते हैं जब हम बिहेवियर इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास कितने टाइप के, कौन कौन से हो सकते हैं इस सिस्टम में। पहला कॉन्स्ट्रेंट तो हम ये लिखेंगे कि ये इन कैंपस यूटिलिटी है, तो कोई आउटसाइडर नहीं होना चाहिए इसमें, रजिस्टर्ड सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर्स यूज कर सके, राइट, ओनली द मेंबर्स
स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स कैन यूज द सर्विस। पहला कॉन्स्टेंट ये हो गया। और एक और भी हमने बात की थी, वन व्हीकल पर ओनर, एक ओनर एक से ज्यादा व्हीकल्स नहीं रख सकता। इसको बिजनेस नहीं बनाने देना मैं किसी। फिर हम एक कॉन्स्टेंट ये लिखेंगे, नो मोर पैसेंजर्स देन द व्हीकल्स सेटिंग कैपेसिटी। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। देखिए, अगर एक गाड़ी में चार लोग आ सकते हैं, यानी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ने उसके सिटिंग कैपेसिटी चार रखी हुई है, ठीक है, तो उसमें पैसेंजर्स चार हैं मैक्सिमम। हो सकता है एक ओनर हो और तीन कंपेनियंस हो, ठीक है। लेकिन अगर ये बोले कि एक व्हीकल ऐसी है जिसमें एक कंपेनियन सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को आता है और दूसरा कंपेनियन है जो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे आ रहा होता है, तो इस तरह टोटल रजिस्टर पांच हो जाएंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली हमारे पास एक वक्त में चार से ज्यादा सिटिंग नहीं होगी। फॉर सिंप्लिसिटी हम इस चीज को भी अलाउ नहीं करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट ही प्लेस ना हो एक वक्त में सिटिंग कैपेसिटी से ज्यादा, चाहे वो कोई प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रेंट हम कहेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी, मतलब एक गाड़ी एक मतलब रजिस्टर हो गई सिस्टम में तो दोबारा सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से री एंटर नहीं हो सकती, या तो हम उसको एक्टिवेट रखेंगे या डीएक्टिवेट रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि टोटल शेयर इन परसेंटेजेस कैन नॉट एक्सीड 100, ठीक है। इनफैक्ट ये कम तो हो सकता है क्योंकि ओनर अपने साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और ओनर खुद भी शेयर कर रहा होता है, हो सकता है कि चार लोग हो तो फिर 25% पर हेड अगर आ रहा है तो ओनर की अपनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी सिस्टम में, तो टोटल शेयर 75 बनेगा, लेकिन ये 100 से एक्सीड नहीं कर सकता। ओके, एक और भी चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑटो टर्मिनेट। सेमेस्टर नहीं, 6 मंथ्स ही कर दो, एंड मस्ट शुड ऑटो टर्मिनेट। ये दो चीजें तो हमने इंश्योर करनी है। कॉन्स्टेंट हो सकता है, ऑब्वियसली कंपेनियंस कैन नॉट हैव मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स साइमल्टेनियसली, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। अब यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, वही बात के एक एक स्टूडेंट है और वो 5 दिन आ रहे हैं और उसको ही इज अ कंपेनियन, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे ओनर से किया है जो सिर्फ 2 दिन आता है, तो वो ये सोचेगा कि 2 दिन के लिए मैं अलग व्हीकल से कॉन्ट्रैक्ट करूं और बाकी 3 दिन के लिए अलग व्हीकल से कॉन्ट्रैक्ट करूं। हम इस चीज को भी अलाउ नहीं करेंगे एट दिस स्टेज। रिमेंबर, हम लोग बना क्या रहे हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, हम अभी MVP भी नहीं बना रहे, लेकिन अगर ये कोई MVP बना रहे होते तो आप शायद इस चीज को कंसिडर करते, डिपेंडिंग ऑन द
क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट या जो टारगेट मार्केट है आपकी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर मुनासिर करती है बात। तो खैर उसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, एक आध कॉन्स्टेंट टर्म और सोचते हैं कोई, जैसे जो व्हीकल्स हैं ओनर ही रजिस्टर करेगा, व्हीकल की इंफॉर्मेशन भी ओनर को ही अपडेट करनी चाहिए। Can only be changed by its owner, right? तो हमने कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए इस तरह से, इन कॉन्स्ट्रेंट्स को हम अपने सिस्टम में अपने डाटा अपनी सर्विस में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने अपने पूरे सेशन में देखा कि एक स्टोरी हमने स्टार्ट की, उसके डिज़ाइन स्टेप्स देखे, उनमें सबसे पहले हमने कहा एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी है, बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने रिलेशनशिप्स एक डायग्राम से रिप्रेजेंट की और कुछ एट्रीब्यूट्स बना लिए। फाइनली हमने सिस्टम के अंदर कुछ कॉन्स्टेंट्स भी ऐड कर दिए। तो इन सब को हम देखकर अब अपने डिज़ाइन की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मल डिज़ाइन जिसे आप कहेंगे। तो अगर हम फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमारे पास अब इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि हम अपना मॉडल बना सकें, अपनी सर्विस लेयर्स लिख सकें, सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसको हम अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इनटू एक्चुअल वर्किंग सॉफ्टवेयर।